तो हे गाइस, आप सब कैसे हो? तो अभी बस मुझे थोड़ी देर पहले अराउंड आवर अगो मेरी सिस्टर का कॉल आता है एंड शी टोल्ड मी कि जल्दी से रेडी हो जा, नहा धो ले एंड वील गो समवेयर रियली गुड. तो मैंने बोला व्हाई नॉट. तो आज अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि मैं अच्छा ब्लॉग बना सकूँ एंड आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ. तो वी आर गोना बी गोइंग टू सम प्लेस जो कि होली है, रिलीजियस है एंड ऑल्सो इट इज़ लोकेटेड अप ऑन द हिल्स. सो बहुत पिक्चर्स की व्यू होने वाला है एंड लेट्स सी अब वहीं जाके पता लगेगा. मैं बस वेट कर रहा हूँ, आई एम कम्प्लीटली रेडी. मैं धूप में बैठा हूँ क्योंकि बहुत सर्दी है एंड वॉज रेनिंग एंटायर नाइट. तो लेट्स सी. तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा अपना गार्डन दिखा देता हूँ, जस्ट एन ओवरव्यू, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉग करूँगा अपने किचन गार्डन में भी एंड ऑल्सो पीछे से मेरे बजीज की बहुत साउंड आ रही है सो इग्नोर इट. सो ये देखिए, ग्रीन 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 ऑल लशी ग्रीन. ये तो अब हम निकल गए हैं, टाइम अराउंड 11:15 हुए हैं. तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं थोड़े से व्यूज़ कैप्चर करूँ क्योंकि बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे बीच में एंड देन अब वहीं मिलते हैं. अब हम पहुंच चुके हैं वहां पे जहां से हमने शुरू करना है रास्ता चढ़ना. तो मैं आपको अभी रास्ता दिखाता हूं कि कैसा है वो. तो ये है रास्ता, वो आगे से कोई आ भी रहा है. तो हमने स्टार्ट कर दिया चढ़ना और जैसा कि आप देख रहे हैं सब जगह बहुत ही ज़्यादा ये फॉरेस्ट है. ये देखिए जो मैंने बताया था होली रिलीजियस, ये है वो लख दाता पीर जहाँ पर हम जा रहे हैं और हमें इतनी चढ़ाई अभी चढ़ने को है. ओ गॉड, wow, it is gonna be really fun today. Wow, what a rasta, what a view. Step by step, step by step. तो अब हम चलते रहेंगे और it is just wow. The rasta is wow. और मुझे सब छोड़ के चले गए आगे और मैं पीछे पता नहीं कहाँ पे रह गया हूँ, but it is so good. मेरा सांस अभी से चढ़ने लग पड़ा और बहुत exhausting हो रहा है. और इस टॉप पे जाना है हमें, वो जो पीछे दिख रहा है ना बिल्कुल वो टॉप. और अभी बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया, जस्ट अभी हार्डली 5 मिनट हुए हैं मुझे चले और हम बस चलते जा रहे हैं. और ये कैसा टूटा फूटा रास्ता है, बीच में ये कोई पुरानी खड्ड रही होगी और यहाँ पे बहुत पानी आ जाता होगा जब यहाँ पर बारिश वगैरह होती होगी. तो हम चल रहे हैं, इट इज़ अमेजिंग. सो गाइज, अभी आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मास्क आप देख रहे हैं आज जो मैंने डाला हुआ है, ये मैंने मनाली से लिया था. और ये मास्क मनाली के हर शॉप में अवेलेबल था, मॉल रोड पे जो भी थी. तो अगर आप मनाली कभी भी जाएं तो आप ये ज़रूर देखना और ले लेना क्योंकि बहुत एथनिक और हिमाचल से रिलेटेड मास्क की एम्ब्रॉयड्री है. एंड ऑल्सो आप मेरा मनाली व्लॉग अगर चेक करना भूल गए हैं तो आप वो चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा. ओके, अब बहुत ज़्यादा चढ़ने को बट जो व्यू आ रहे हैं ना, ये सारे बैम्बूज ही बैम्बूज हैं और ये हमारे सर पे धूप है इस वक्त और यहाँ भी जाना है. मुझे भी बहुत प्यास लग गई है और हम पानी की बॉटल लाना भी भूल गए हैं. मुझसे तो नहीं चले जा रहे, बहुत चढ़ाई है, हमें उधर जाना है अभी, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है गाइस. तो ये अराउंड 1 से 2 किलोमीटर्स के बीच चढ़ाई है और ये स्टेयर्स ही अराउंड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं. तो हमने रेस्ट ले लिया है और ये जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ से ये सड़क दिख रही है जहाँ से हम चढ़ के आए हैं इतना, और अभी इतनी और चढ़ाई है तो करेंगे कवर धीरे धीरे.
और ये नीचे सारी खाई है। तो अब हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट करने के बाद फिर से स्टार्ट कर दिया चढ़ना, और बहुत ज़्यादा चढ़ाई अभी भी, पानी भी नहीं है हमारे पास। हवा तो चल रही है बट बहुत बुरा हाल हो रहा है। आई एम फीलिंग रियली रियली सिक। एंड तो अभी हम ये इतनी स्टीप स्टेयर्स चढ़ के आए हैं, ये सारे जितना आप नीचे देख रहे हैं लोग यहाँ से, और वो रास्ते से हमने स्टार्ट किया था, और ये इतनी डीप खाई है यहाँ पे, और हमें उस टॉप पे पहाड़ी पे जाना है। तो ये फाइनल 20-30 स्टेयर्स रह गई हैं, और ये ब्रेथ टेकिंग व्यू, ओह गॉड, सो लेट्स स्टार्ट। और अब हम ऊपर ही मिलेंगे सीधा टॉप पे। सो आधे घंटे की बहुत स्टीप चढ़ाई चढ़ने के बाद, और पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ थी, बट हम पहुँच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। हमें इधर आना था, ये लख दाता पीर है, और बट जो भी है वर्थ इट है। अभी बिल्कुल सामने ये पहाड़ हैं धौलाधार के, जो कि अभी फ़िलहाल कवर्ड है, बट अगर ये कवर्ड नहीं होते तो ईजीली स्नो यहाँ से दिख जाती है। और ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये मेरा होम टाउन है कांगड़ा। तो या लेट्स गो, अब ऊपर जाते हैं। तो ये है हमारी टॉप डेस्टिनेशन लख दाता पीर, और यहाँ से हमने शुरू किया था चढ़ना, और हम ये रास्ता पूरा ऊपर कवर करके आए हैं। अभी इतना ही उतरना है। गाइस हम उतरना शुरू करेंगे, तो अब मैं आपको सीधा नीचे ही मिलूँगा जाके, तो फिर देखते हैं अब आगे का क्या प्लान है। सो अब हम ऑलमोस्ट उतर चुके हैं, एंड आई मस्ट से कि उतरना वाज वेरी वेरी इजी, बट चढ़ना बहुत टफ था। हमने ऊपर बहुत इन्जॉय किया, लख दाता पीर बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह है, हमें बहुत पीस मिला वहाँ पे, एंड आई प्रेड कि सबकी लाइफ पीसफुल ही रहे। एंड ये जो लख दाता पीर हैं, ये सिचुएटेड हैं जैसे ही आप पुराना कांगड़ा में टनल क्रॉस कर लेते हैं, तो जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक पहाड़ी दिख जाएगी, वहाँ ही पे ये लख दाता पीर सिचुएटेड हैं। तो आप जब भी कांगड़ा हिमाचल में आएंगे तो ज़रूर यहाँ जाइए, और अपना प्रे कीजिए, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, या फिर अगर आपको पीस चाहिए तो आप ज़रूर इस जगह में जाएं, और मेंशन कीजिएगा प्लीज़ वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी है वो मेरा व्लॉग, तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड येस, आई इन्जॉयड अ लॉट, एंड आई लुक आफ्टर कि मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगा, और मैं आपके सामने वो व्लॉग्स ला के रखूँगा। सो अभी 1:15 हो रहे हैं एग्जैक्टली, हमने शुरू किया था 11:15 पे, और अराउंड 2 आवर्स हमें लग गए वहाँ जाते जाते, और हम बैठे भी काफ़ी देर। तो इट वाज ओवरऑल वेरी फन। तो आई होप एवरीवन रिमेंस सो फिट एंड पीसफुल एंड हेल्दी। सो या गाइस, सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।